हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनलॉक बाबा जी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं दोस्तों आपको ओप्पो के फ़ोन का लॉक खोलने के लिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल पूरा ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका लॉक नहीं खुलने वाला है और फिर से वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मोबाइल को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर प्लीज ड्रो योर पैटर्न बोल रहा है, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि जो इमरजेंसी कॉल है इस पर क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड देने वाला हूँ, 4#999999, 7 को 9 लास्ट में #, तो 3 बार कॉल कर देना दोस्तों, 1 2 3। 3 बार कॉल करने के बाद दोस्तों इसको डिलीट कर देना। अब यहाँ पे दूसरा कोड देने वाला हूँ दोस्तों, *#999 लास्ट में #, इसको भी 3 बार कॉल कर देना, 1 2 3। अब इस कोड को भी डिलीट कर देना। अब दोस्तों, इन दोनों कोड की मदद से हमने इसमें डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर दिया है और सिक्योरिटी लॉक वाला जो ऑप्शन होता है, जो सिक्योरिटी के लिए होता है, उसको ऑफ कर दिया है, जिससे आपका लॉक खुलने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे मैं इंजीनियर मोड वाला कोड देने वाला हूँ दोस्तों, *#899। इस कोड को याद रख लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट करके रख लीजिए। लास्ट में #हैश लगाइएगा और इंजीनियर मोड में आ जाइएगा। देखिए दोस्तों, इंजीनियर मोड में आने के बाद दोस्तों कोई भी सेटिंग अपने मन से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग कर सकता है और सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो जो सेटिंग मैं बताऊं दोस्तों, उसी पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सॉफ्टवेयर वर्जन में कर्नल वर्जन लास्ट में 921 होना चाहिए। ये देखिए, इसमें 921 है। अब यहाँ से बैक हो जाता है। बैक होने के बाद दोस्तों, यहाँ मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर एक बार क्लिक करना है। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर चले आना है, जो कि अदर का ऑप्शन है दोस्तों। अदर वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, ये आपका पास होना चाहिए। तो देखिए, वो जो कोड अप्लाई किए थे उसके कारण ये पास हो चुका है। पास होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन दिखा रहा है, उस पर 7 बार क्लिक करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे RPM भी स्टेटस है, उस पर एक बार क्लिक करेंगे और आपका लॉक खुल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपका यहाँ पे लॉक खुल चुका है। RPM भी इनेबलिंग स्विच ऑफ, यानी कि आपका पुराना वाला पासवर्ड ऑफ कर दिया गया है, और RPM भी की जनरेट ना हो, यानी कि यहाँ पे नया नया जो पासवर्ड खोलने के लिए ट्राई कर रहे थे, जैसे सिक्योरिटी लॉक आउट होने का डर रहता है, इसको नो कर दिया गया। और OTP के चेक फेल्ड, यानी कि आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो अब यहाँ से मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे और आपका लॉक खुल जाएगा दोस्तों। तो और दोस्तों, मेरा लॉक खुल चुका है दोस्तों, बिना डाटा लॉस किए मेरा सारा डाटा यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। तो 1 घंटे का टाइम मिला दोस्तों, आप अपना नया पासवर्ड इसमें लगा लीजिए, नहीं तो फिर से पुराना वाला पासवर्ड अपने आप अप्लाई हो जाएगा 1 घंटे बाद। 1 घंटा होने से पहले आप अपना नया पासवर्ड लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, ताकि पता चले कितने लोगों का पासवर्ड खुला दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।